Good morning, students. Welcome in the class 8. We are watching our next video, practice set 1.3. In our previous video, we have seen that some type of divisions, and these divisions are nothing but the decimal representation of rational numbers. मतलब rational numbers का decimal representation किस तरह से किया जाता है. इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, उसमें आप लोगों को कुछ नंबर्स जैसे दिए गए थे 7/6, -5/3, 22/7, ये एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में समझा के बताया है कि इसका आंसर अगर कंटिन्यूशन में आने वाली कुछ वैल्यूज के लिए अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग डॉट, वो अपर डॉट या बार से भी डिक्लेयर करते हैं, है ना. उसी तरह पे, उसी बेस पर डिपेंड अपॉन कुछ एग्जाम्पल्स आज लोग हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखने जा रहे हैं बेटा. फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. मतलब ये जो रैशनल नंबर्स आप लोग को दिए गए हैं इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोग को डायरेक्ट वो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा. देखिए हमारे पास आपकी किताब में टोटल 5 एग्जाम्पल्स है. ये 5 एग्जाम्पल्स में से कोई भी 3 एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को करके दे रहा हूँ. 2 एग्जाम्पल्स आप लोग को करने हैं. दो एग्जाम्पल है बेटा, वो जो होमवर्क आप लोग का रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम नंबर 3 और 4, जो कि मैंने पहला, दूसरा और पांचवा गणित आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लिया हुआ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रॉब्लम. 9/37 = हम लोग को इसका आंसर कैलकुलेट करना है, जिसको अभी हम लोगों ने आंसर के साथ लिख कर रखा है बेटा 0.243 बार, है ना. तो ये बार कैसे आया, है ना, तो ये हम लोग देखते हैं. जैसे ये वीडियो में मैंने आप लोग को जो ये गणित स्टार्ट करने के पहले एक यहाँ पे पहाड़ा लिखा हुआ है बेटा, ये टेबल जो है वो 37 का टेबल है. तो जो भी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे 37 से, यहाँ पे 42 से, यहाँ पे 13 से, है ना. तो ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका एक टेबल लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे मल्टीप्लीकेशन से. मल्टीप्लीकेशन यानी कि 37 बंदा, अभी इतने बड़े नंबर्स हैं उनके टेबल तो हम लोग को याद नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग पहले से ही ये टेबल लिख लेंगे जिस भी संख्या से इसको डिवाइड करना है. तो सबसे पहले मैंने 37 बंदा 37, 37 टू द 74, 37 थ्री द 111, 37 फोर द 148, 37 फाइव द 185 एंड सो ऑन. डिपेंड्स अपॉन द नंबर अप टू 10, मतलब 10 तक पूरे नंबर हम लोग को यहाँ पे लिखते हुए पूरे टेबल को बनाना है बेटा 37 के. अब बनाने के बाद यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग हमारा प्रॉब्लम. जैसे 37 को, 9 को 37 से डिवाइड करना है, भाग देना है. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 9 जो संख्या है 37 से बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने इसको 0 से भाग दिया. 0 से भाग देने के बाद यहाँ पे 9 बचा, 9 - 0 = 9. अब यहाँ पे उधार का 0 हम लोग को चढ़ाना पड़ेगा. जब भी हम लोग पहली बार जब उधार का 0 चढ़ाते हैं नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, डेसिमल पॉइंट, यानी कि एक डिजिट यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देना है. तो 90 हो गया ये नंबर हमारा. अब देखिए कि 37 को, 90 को हम लोग को 37 से भाग देना है. तो 37 के पहाड़े में देखिए 90 से छोटी संख्या कहाँ, कौन से नंबर पे, 2a नंबर पे, मतलब 2 का भाग जाएगा 37 टू द 74 और 37 थ्री द 111, मतलब 111. ये जो 111 है 90 से बड़ी संख्या है, तो हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे 74 से. 37 4 टू द 74. अब 90 - 74, इसको देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने हल किया हुआ बेटा. तो जैसे आप लोगों को माइनस कर देना कि 0 से 4 नहीं जाते, तो 0 को कट करके 10 और बाजू की संख्या 1 से कम यानी कि 8, ये हम लोगों ने लिख लिया. 10 में से 4 गए 6 बचे और 8 में से 7 गया 1 बचा और उधार का 0. तो देखिए इस तरह से मुझे वैल्यू मिली है बेटा 16 और उधार का हमने 0 यहाँ पे चढ़ा दिया. तो 160 को अब 2 से भाग दे दिया था मैंने. अब 160 को 37 से भाग देना है. तो 160 में से छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे देखिए 148. तो हम लोग को 37 फोर द 148 को यहाँ पे लिखना है. 148 लिखने के बाद 160 - 148 यानी हमारा आंसर आता बेटा 12. 12 आने के बाद उधार का हम लोग 0 यहाँ पे चढ़ा देंगे. अब 120 वैल्यू आ गई है. 120 में से 120 को 37 से भाग देना है. तो 137 के कौन से पहाड़े में, ये पहाड़े में कौन से नंबर पर 120 से छोटी संख्या आती है, वो है 111. 37 3 का 111
यानी कि तीन का भाग देकर हम लोगों ने यहाँ पे 120 में से 111 निकाली, यहाँ पे आप लोग का आंसर मिल गया यहाँ पे 9। फिर हम लोगों को एक जीरो बनाना है। क्या अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो 9 है क्या इसके पहले ये वाले गणित में हमने देखा हुआ है? बिल्कुल, हमने शुरुआत में ही 9 देखा हुआ था। यहाँ पे 90 ये वैल्यू आप लोग को स्टार्टिंग में मिली थी। अब इसके नीचे यदि हम लोग इसको हल करते हैं बेटा, तो देखिए 37 to the 74 ये वैल्यू आप लोग को दोबारा मिलेगी। 97 - 74 = क्या मिला था हम लोग को? 16। फिर हम लोगों ने जीरो बढ़ा दिया। अब 160 को हम लोगों को 37 से भाग देना है। 160 से छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 148 यानी कि कौन से नंबर पे आ रही है, कौन सी संख्या का भाग दिया हमने? 4 का। 37 × 4 = 148। तो 160 में से 148 निकाले तो यहाँ पे क्या बचा? 12। अब उधार था हम लोग को जीरो बढ़ाते ही रहना है। जब जब जीरो बढ़ाएंगे वहां वहां पे पॉइंट नहीं देना है, सिर्फ पॉइंट तभी आएगा जब हम लोग पहली बार जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 120 ये भाग 120 को 37 का भाग देना बेटा हम लोग को। तो 120 से छोटी संख्या 111 हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल रहा बेटा 9। तो यहाँ पे कौन सी संख्या का भाग दिया हमने? 243 मतलब 37 × 3 = 111 का हम लोगों ने यहाँ पे भाग दिया हुआ है। अब और जीरो बढ़ाएंगे तो वही नंबर यहाँ जहाँ जैसे 90 यहाँ से शुरू हुआ था वैसे यहाँ से शुरू हो जाएगा जैसे शुरुआत में हमने देखा था। मतलब हमारा आंसर जो है वो 243 बढ़ता ही जाएगा। तो इसको इन शॉर्ट लिखने का एक तरीका आप लोग को दिया गया है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो है बेटा 0.243 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 18 को 42 से 18 / 42 ये आंसर कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 18 / 42 = कुछ आंसर यहाँ पे मिला हुआ है हमें हमको। तो यहाँ पे देखिए बेटा 18 को मैंने 18 जो है वो छोटी संख्या है, इसको मैंने 42 से भाग दिया हुआ है। मतलब पहले शुरुआत में तो हम लोग को क्या करना है, मैंने जैसे अभी बताया था आप लोग को कि 42 का एक पहाड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 42 से लेकर 42 10 द 41 40 41 द 42 1 द 42 और 42 2 द 84 इस तरह से 42 10 द 420 ऐसा एक टेबल मैंने बना लिया है। ये टेबल मैंने यूज मतलब ये डिवीजन करते समय जो जो भाग देने वाले हम लोग है ना डिवाइड करने वाले हैं उसके लिए आसानी जो है इसलिए मैंने ये टेबल पहले से ही लिख कर रखा है। तो जैसे कि 18 को 42 से भाग नहीं जाता क्योंकि 18 ये जो है वो छोटी संख्या है बेटा। तो 18 को 0 से पहले हम लोग 0 का भाग दे देंगे तो 42 0 का 0 यानी कि 18 - 0 = 18। फिर हम लोग को 0 देना है तो जब पहली बार हम लोग 0 बढ़ाते चढ़ाते हैं बाजू वाली संख्या पर संख्या के बाजू बाजू में तो हम लोगों को यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दे दिया बेटा। अब डेसिमल पॉइंट देने के बाद जैसे कि 180 को 42 से भाग देना है तो 42 × 4 = 168। देखिए 42 × 4 = 168। अब 180 - 168 यानी कितना आंसर मिला हमको? 12। तो एक जीरो यहाँ पे उधार का चढ़ा देंगे। अब 120 को 42 से भाग देना है तो 42 × 84 यानी 120 - 84 कितना बचेगा बेटा? 36। अब यहाँ पे दोबारा जीरो देना है तो 42 × 8 = 336। तो 360 में से 336 निकालेंगे हम लोग तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल रहा है बेटा 24। अब यहाँ पे उधार का और जीरो बढ़ाएंगे और इसको तब तक हल करेंगे जब तक हम लोग को कोई एक नई वैल्यू हम लोग को यहाँ पे बची हुई नहीं मिलेगी है ना। ये वैल्यू आप लोग को सामने जाके मिलने वाली है। तो 42 × 5 = 210। मतलब 240 में से 210 गए, कितने बचे? 30। यहाँ पे उधार का जीरो बढ़ा दिया मैंने। अब 300 को 42 का भाग देना है हमको तो 342 × 7 = 294। मतलब 300 में से 294 हम लोग ने माइनस किए तो हम लोग को आंसर मिलेगा बेटा 6। और यहाँ पे और जीरो बढ़ा देने के बाद 42 × 1 = 42 यानी के 60 - 42 = 180। अब देखिए जैसे कि हम लोग को यहाँ पे 180 मिला था, 180 को और यदि हम लोग सामने तक बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दोबारा यहाँ से शुरू करना है, 168 का भाग देना है। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे 4 का भाग दिया, फिर 2 का देंगे, फिर 8 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 7 का देंगे और 1 का देंगे। इस तरह से यदि ये नंबर जैसे कि वैसे एज इट इज बढ़ते जा रहे हैं है ना, इसको और हल करेंगे तो आपको पता है कि
दोबारा इसको हल करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 18 ही बचने वाला है। तो 18 बचने के बाद यही से प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद तुरंत हम लोग को एज इट इज उसको हल करते रहना है, नीचे तक चलती जाना है चलती जाना है। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बार चिन्ह का यूज किया हुआ है, यानी कि हम लोगों को जब ये 4T42871 ये रिपीट हो रही है, नंबर 4, 2, 8, 5, 7, 1 ये रिपीट होने वाले नंबर्स को एक बार देने के बाद हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि ये जो डेसिमल नंबर्स कंटेनिंग रैशनल वैल्यूज हैं इसका आंसर हम लोग को इस पैटर्न में लिखना है। ठीक है, जैसे कि 180 माइनस 168 इसको हल किया तो आप लोग को 120 मिलने वाला, 120 को फिर 84 से माइनस करेंगे तो फिर हम लोग को 36 यानी कि 360 मिलेगा, और इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को यही पे इसको रोकना है बेटा, यानी कि हम लोग को समझ में आ गया है कि हमारा जो गणित है वो एज इट इज रिपीट होने ही वाला है। अब हम लोग हमारे पांचवे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो है बेटा -11/13। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिएगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे देनी है ना, यानी कि आपका जो आंसर है -11/13 का जो आंसर रहेगा डिवीजन वाला, वो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन जो हमने किया है माइनस साइन का, वो भी आपका आंसर माइनस साइन में ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी आपका उत्तर जो है वो माइनस साइन में आएगा, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है शुरुआत से ही पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड कर लिए वैल्यूज को, और जो आंसर आया उसके सामने माइनस साइन लगा दिए, क्योंकि हम लोग को आंसर में माइनस क्वेश्चन पूछा गया। अब डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव को डिवाइड करना है। आप लोग को पता है 11 जो वैल्यू है वो 13 से छोटी संख्या है, तो 11 को हम लोग को 13 से भाग नहीं दे सकते है ना, तो हम लोग 13 मतलब एक जीरो का भाग दे दिया, तो 11 में से शून्य गया, कितना बचा 11, और यहाँ पे उधार का जीरो बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद को हम लोग को इसको इस तरह से हल करना है। अब देखिए बेटा कि जैसे कि मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि जिस भी वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उन वैल्यूज का हमने यहाँ पे टेबल बना लिया। यहाँ पे मैंने 13 का एक टेबल बना लिया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौ 52, 13 पंची 65, 13 78, 13 सती 91, 13 आठी 104, 13 नौ, 13 नौ 117 और 13 दाम 130। इस तरह से 13 का पार्ट हम लोग को अच्छे से याद है, वो हम लोग को इस तरह से लिख लेना है। अब जैसे हमारे पास 110 ये वैल्यू आ गई है, यहाँ पे जीरो पड़ा दिया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने दे दिया था। अब बार बार जीरो बनने वाला है, आप लोग को डेसिमल पॉइंट नहीं लिखना है, सिर्फ पहली बार ही लिखेंगे। अब देखिए 13 का भाग, 110 को 13 से भाग देना है, तो 13 8 ही कितना होता है 104, तो 110 में से 104 गए, कितना बचा 6। अब उधार का जीरो बढ़ा दिया हमने तो ये 60 बन गया। अब 60 को 13 से भाग देना है तो हम लोग को 13 चौ 52 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 60 में से 52 गए, 8 बचे। फिर उधार का जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने, जीरो बढ़ाने के बाद 13 13 6 78, तो 6 का भाग दे दिया, 80 में से 78 गए तो 2 बचे, उधार का जीरो हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 13 एकम 13, 20 में से 13 गए 7 बचे, उधार का जीरो बढ़ा दिया, 13 पंचे 65, फिर 5 का भाग दे दिए तो 65 बचा, मतलब 70 में से 65 गए यानी कि 5 बचा। और फिर और जीरो बनाने के बाद 50 की वैल्यू मिल रही है हम लोग को, 50 को हम लोग को 13 से भाग देना है तो 13 तिया 39, तो 50 में से 39 गए 11 बचे। अब देखिए बेटा 11 जो आखिरी संख्या हम लोग को मिल रही थी, देखते चलिए कि हम लोग को सबसे पहले शुरुआत 11 से ही हुई थी, यहाँ पे भी अगर हम लोगों ने यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया तो ये जो वैल्यू है आप लोग को दोबारा मिलने वाली 8, 4, 6, 1, 5, 3। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आखिरी तक हम लोग को मिलने वाली है। जैसे देखिए 110 को भाग दिया मैंने 13 8 ही 104 का, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बेटा 6 बचेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको हल करते जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे और सामने सामने वैल्यू मिलती ही जाएगी। तो इस तरह से जब हम लोग को ये पूरी गारंटी है कि आने वाले नंबर्स में यहाँ से वही संख्या बढ़ती हुई दिखती है, वैसे ही चलती हुई हम लोग को दिखती है, तो वही एक जगह पे हम लोग रोक देकर उसको 110 पे ही रोक देकर नंबर जैसे कि वैसे लिख लेंगे। और इस तरह से नंबर लिखने का ये मतलब होता है कि जब ये 6 अंक वाली संख्या बढ़ती जाती है एक जैसे ही रिपीट होती जाती है, तो उसके सामने हम लोग को जहां से वो रिपीट हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है वो संख्या पर बार देना होता है, तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक
ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जो गणित मैंने आप लोग को करके दिए हैं और इसके मेथड मैंने समझाई है, इस मेथड से ही डिपेंड करके आप लोग इनको हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये पहाड़ी बनाने से हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होता है बेटा। मल्टीप्लिकेशन आना हम लोग को बहुत जरूरी है। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन पे आधार पे ही ये डिविजन है। ये डिवीजन जब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आएगा तभी हम लोग डिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि इसमें गलती ना हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे गणित जो है वो ठीक और करेक्ट होने बहुत जरूरी है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ पे जो तीसरा और चौथा गणित मैंने आप लोग को दिया है आसान है, ये आप लोग कर लेंगे, है ना। और इस गणित के खत्म होने के बाद, तीसरा और चौथा होने के बाद, हम लोग हमारा अगला पोर्शन देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 में। हम लोग को कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने हैं, वह मैं आप लोग को कॉपी में करके बताने वाला हूँ। तब तक यहाँ जहां तक हमारे जितने प्रॉब्लम हो गए हैं और ये दो जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे फोटो लेकर पर्सनली सेंड करिए, ओके। और तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।